साथियों, देश को कमजोर बनाने वाली बुराइयां भारत छोड़े, इससे अच्छा और क्या होगा। इसी सोच के साथ बीते 6 साल से देश में एक व्यापक भारत छोड़ो अभियान चल रहा है। गरीबी भारत छोड़ो, खुले में शौच से मजबूरी भारत छोड़ो, पानी के दर दर भटकने की मजबूरी भारत छोड़ो, सिंगल यूज प्लास्टिक भारत छोड़ो, भेदभाव की प्रवृत्ति भारत छोड़ो, भ्रष्टाचार की कुरीति भारत छोड़ो, आतंक और हिंसा भारत छोड़ो। साथियों, भारत छोड़ो के ये सभी संकल्प स्वराज से सुराज की भावना के अनुरूप ही है। इसी कड़ी में आज हम सभी को गंदगी भारत छोड़ो का भी संकल्प दोहराना है। आइए, आज से 15 अगस्त तक यानी स्वतंत्रता दिवस तक देश में एक सप्ताह लंबा अभियान चलाएं, स्वराज के सम्मान का सप्ताह यानी गंदगी भारत छोड़ो सप्ताह। मेरा हर जिले के जिम्मेदार अफसरों से आग्रह है कि इस सप्ताह में अपने अपने जिलों के सभी गांवों में कम्युनिटी टॉयलेट बनाने पर, उनकी मरम्मत पर विशेष बल दे, उसको अभियान चलाएं। जहां दूसरे राज्यों से श्रमिक साथी रह रहे हैं, उन जगहों पर प्राथमिकता के आधार पर ये काम हो। इसी तरह गंदगी से कंपोस्ट बनाने का काम हो, गोबर धन हो, वाटर रिसाइकलिंग हो, सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्ति हो, इसके लिए हमें मिलकर के आगे बढ़ना है। साथियों, जैसे गंगा जी की निर्मलता को लेकर हमें उत्साहजनक परिणाम मिल रहे हैं, वैसे ही देश की दूसरी नदियों को भी हमें गंदगी से मुक्त करना है। यहां पास में ही यमुना जी है, यमुना जी को भी गंदे नालों से मुक्त करने का अभियान, उसको हमें तेज करना होगा। इसके लिए यमुना जी के आसपास बसे हर गांव, हर शहर में रहने वाले साथियों को उनका साथ, उनका सहयोग ये बहुत जरूरी है।